तो फाइनली गाइस यहाँ पे साइंटिफिक रेडी है। आप देख सकते हो अभी मैंने इसके अंदर पूरा मशीन फिट किया हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हो आप कंप्लीट मशीन इसके अंदर फिट है। अभी अभी मशीन बन के आया है, अनबॉक्सिंग का भी वीडियो आपने देखा, तो यहाँ पर सिर्फ टेस्टिंग और बैलेंसिंग के लिए इसके अंदर मैंने फिट किया हुआ है। तो यहाँ पर फाइनली मशीन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, आप देख सकते हो। एक बार इसका साउंड भी सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ, तो फाइनली बॉडी के अंदर मशीन पूरा फिट है। अब यहाँ पे होगा बॉडी का काम, तो चलो सबसे पहले मैकेनिज्म को अलग करने के बाद बॉडी के ऊपर करते हैं हम सफाई, उसके बाद देखेंगे बॉडी की कंडीशन और फिर होगा पेंट। इसके ग्लास भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं, वो भी क्लीन करना होगा हमें। तो यहाँ पर फाइनली गाइस मैंने क्लॉक को नीचे उतार दिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों राउंड शेप में उसका ग्लास है। ये भी दोस्तों पूरा क्लीन करना पड़ेगा, और यहाँ पे बॉडी देख सकते हो आप। तो सबसे पहले दोस्तों बॉडी को बनाने के लिए हमें मैकेनिज्म और ये चैन को अलग करना होगा बॉडी से। तो यहाँ पर बॉडी की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब है। वैसे सबसे ज़्यादा तो इसमें पेंट का ही है, यहाँ पे थोड़ा पेंट भी निकल गया है, और कुछ बॉडी का काम नहीं है। मेरे अगले सीकोसा वीडियो में देखा आपने पूरा बॉडी का काम किया था। इसके ऊपर दोस्तों इतना खर्चा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको साधारण पेंट ही करना है हमें, क्योंकि ये पुराना पेंट निकाल के सब कुछ यहाँ पे नया पेंट करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिज्म को अलग कर लेता हूँ, और इसके बाद चैन को अलग कर लेता हूँ। और ये इसके हैमर है, ये दोस्तों यहाँ से साउंड यानी ध्वनि निकालते हैं इस रोड की मदद से। यहाँ पे दोनों बड़ी सी रोड लगी हुई है, ये रोड बड़ी है और ये रोड छोटी है, दोनों रोड लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों की रखी जाती थी, यहाँ पे देख सकते हो की और ब्रश और ये सैंडपेपर। तो चलो सबसे पहले मैकेनिज्म को अलग करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा घिसाई कर लेते हैं, उसके बाद होगा पेंट। सब कुछ बॉडी वगैरह कहीं से टूटा डैमेज तो नहीं है, सिर्फ पेंट का ही है। जहाँ से भी स्क्रेच है वो सब हम भर देंगे, एकदम नया लग जाएगा ये। और यहाँ पे फ्रंट में दोस्तों ये ओरिजिनल ही रहने देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्योंकि ये पूरा कंपनी का ही डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलो करते हैं काम शुरू। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लॉक का मैकेनिज्म और इसके जो चाइम है उसको मैं बाल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर फाइनली गाइस क्लॉक के अंदर से मैंने मैकेनिज्म निकाल दिया है, मैकेनिज्म टाइम दोनों यहाँ से निकाल दिया है मैंने। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी बॉडी का अंदर का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जितने स्क्रू के होल हैं उसको भी सही से ठीक करना होगा, क्योंकि जो स्क्रू होती है उसकी ग्रिप मजबूत रहनी ज़रूरी है इसके स्क्रू के अंदर से। यहाँ पे देख सकते हो ये चार स्क्रू है चाइम के, और ये है मेन मैकेनिज्म के। यहाँ पे दोस्तों इसका डायल लगता है। तो सबसे पहले यहाँ से मुझे ये डोर अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ से सबसे पहले ये लॉक दो खोल लेता हूँ, और यहाँ पे ये लॉक है वो भी खोल लेता हूँ। Thank you.
यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने इसका डोर भी है वो ओपन कर लिया है, यहाँ से देख सकते हो यहाँ से कम्प्लीट डोर खुल चुका है। तो सबसे पहले हम बॉडी को क्लीन करेंगे, उसके बाद डोर को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ सफाई के लिए। सफाई हो जाने के बाद यहाँ पे मैं सैंडपेपर का यूज़ करूँगा तो पूरा क्लीन हो सके, उसके बाद हम इसके ऊपर नया पेंट करेंगे। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो सैंड पेपर से मैंने पूरा इसको क्लीन कर दिया है, यहाँ से एकदम सफाई हो चुकी है इसकी, देख सकते हो काफ़ी पॉलिश भी हो चुकी है, यहाँ से इसकी पूरी घसाई भी हो चुकी है और अंदर से पूरा क्लीन भी हो चुका है, धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ दोस्तों इसका क्लीन हो चुका है पूरा। तो अब हम यहाँ पर दोस्तों अंदर मैं डार्क मरून कलर का यूज़ करूँगा इसके अंदर, और यहाँ पे इसके साइड में ब्लैक, और यहाँ तो ऑलरेडी ब्लैक है ही, पीछे भी पूरा ब्लैक कलर करेंगे हम। यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन की मैं बॉडी इसकी तैयार करूँगा, और यहाँ पर देख सकते हो इसमें दोस्तों सबसे पहले कांच को क्लियर करना होगा, और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर भी पूरा यहाँ पे लगेगा ब्लैक कलर, अंदर की फ्रेम में पूरा ब्लैक कलर रहेगा। यहाँ से भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया इसको, आप देख सकते हो ये कंपनी का ओरिजिनल पेंट ही है, इसको ऊपर हम ब्लैक कलर कर देंगे। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, काफ़ी अच्छी कंडीशन में पड़ा है कलर, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली पूरी पेटी हमने क्लीन कर दी है, अब बस पेंट का काम बाकी है, उसके बाद इसके अंदर हम मैकेनिज्म असेंबल करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली गाइस पूरी बॉडी को मैंने क्लीन कर दिया है, अब सबसे पहले इसके अंदर हम पेंट करेंगे डार्क मरून कलर, उसके बाद ही हम इसको बाहर ब्लैक कलर पेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अंदर मैं करता हूँ मरून कलर, क्योंकि ये दोस्तों कंपनी का कलर है, तो मैं इसके अंदर भी सबसे पहले मरून कलर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, कंपनी कलर का यहाँ पे हमें कोई यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे पेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके ऊपर दो लेयर चढ़ानी पड़ेंगी पेंट की, क्योंकि एक लेयर यहाँ पे बहुत लाइट लग रही है। तो यहाँ पर फाइनली गाइस बॉडी के अंदर आप कलर देख सकते हो, यहाँ पे पूरा अंदर की साइड मरून कलर कर दिया, और यहाँ पे जो इसकी बॉर्डर है इसको ऊपर हम ब्लैक कलर करेंगे, पीछे भी ब्लैक आएगा, साइडों में भी ब्लैक और सेंटर में मरून।
अभी आपको यहाँ पे लाइट कलर लाइट दिख रहा होगा ब्राउन कलर जैसा, पर असल में इसके ऊपर पहले स्काई ब्लू टाइप था ग्रीन जैसा, तो इसकी वजह से यहाँ पे ब्राउन दिख रहा है। अभी इसके अंदर एक लेयर है, दूसरी लेयर इसके ऊपर अब आएगी पेंट की पूरी, तभी यह परफेक्ट मरून दिखने लगेगा। तो जल्दी से इसको सुखा लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले ब्लैक कलर पूरा, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर देंगे हम। तो यहाँ पर कंप्लीट ही कलर दिखाने के बाद आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्लॉक की बॉडी बनाने से पहले ये है इसका पेंडुलम, और ये नीचे लगा है इसका स्क्रू। आपको बता दूँ दोस्तों, ये स्क्रू है, ये कोई ऐसे ही नहीं लगाया जाता। यहाँ से दोस्तों इसकी टाइम की सेटिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्किंग करता है पूरी घड़ी, उसकी सेटिंग यहाँ से होती है। अगर हमारा क्लॉक आगे पीछे है तो यहाँ से सेटिंग किया जाता है। यहाँ से पीछे भी हम पूरा ये पेंट है उसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं पेंडुलम को खोल लेता हूँ। पेंडुलम के नीचे लगा नट का काम होता है टाइमिंग को सेट करना, तो यहाँ से मैंने पूरा खोल लिया है। इसको भी पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका पीछे का पेंट मैंने सारा निकाल दिया है, और इसको भी घिस के तैयार कर दिया है। ये दोस्तों ऐसा ही रहेगा, वुडन कलर ही रखूँगा मैं इसको। और ये इसका आगे का नट, और पेंडुलम के पीछे हम ब्लैक कलर करेंगे। तो इसकी टाइम की सेटिंग कैसे की जाती है मैं दिखाऊंगा आगे वीडियो में पेंडुलम के हिसाब से। तो यहाँ पर फाइनली गाइस, मैंने इसके डोर में भी पूरा ब्लैक कलर कर दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। अभी इसको रख दिया है मैंने सुखाने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लॉक की बॉडी भी देख सकते हो, काफ़ी शानदार लग रही है। यहाँ पे इसके अंदर मरून कलर की दो लेयर आ चुकी है कलर की, और यहाँ पे ऊपर भी अच्छा सा पेंट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, ये बॉडी और डोर इसकी कंप्लीट है। अब यहाँ पे जो इसका डाइल है, तो यहाँ पे हम साइड में ब्लैक कलर करेंगे और पीछे ब्लैक कलर करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्लैक होगा, और ये इसका जो पेंडुलम है इसके यहाँ पे भी ब्लैक कलर करेंगे हम। एक बार दोस्तों सारा पेंट का काम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम इसको पूरा असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, डाइल के अंदर पेंट करने से पहले हमें इसको कम्प्लीटली साफ़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी है और आगे से भी गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस, यहाँ पे डायल को मैं अलग कर रहा हूँ, क्योंकि तभी इसका पेंट कंप्लीट हो पाएगा। ये भी छोटे छोटे चार स्क्रू पे टिका हुआ है। इसको दोस्तों पूरा मैं ब्लैक कलर करूँगा। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है दोस्तों, ये एल्यूमिनियम है।
1984 दोस्तों 1984 का मॉडल है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमारा यजमान बिल्कुल सही था दोस्तों, हमने 1985 कहा था। तो फाइनली यहाँ पे मैंने एक ग्लास में पानी ले लिया है और यहाँ पे कपड़े की मदद से गीला कपड़े को करके यहाँ पे ऊपर हल्का सा हम साफ कर लेंगे इसको। यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है ये। क्योंकि हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सब कुछ कंपनी का ही रहने देंगे।